नक्शा नक्शा तो अभी देखा है, नक्शा मैंने देखा है। सात आफ्ताब साहब थे जो उसकी, यानी कि उस जब से वो जगह बनी उनकी, उनके पास उसकी भी डिटेल इतनी डिटेल बड़ा मजा। नील बिला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बब्बू भाई मौजूद हैं और असद साहब मौजूद हैं। आज हम इसमें खबरदार के बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू करने लगे हैं और इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो सबसे पहले नील बिला साहब में बताएं कि आपका खबरदार में एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इससे पहले एक और चैनल था, वहाँ पर हम लोग पूरी टीम इकट्ठी थी आफ्ताब साहब की सरबराही में। तो टॉक शो का एक बाकी रूटीन के जो शोबिज है उसमें ड्रामा है, उसमें सिटकॉम्स हैं, उसमें थिएटर है, तो टॉक शो का एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि न्यूज़ के साथ थोड़ा सा तड़का कॉमेडी का, वो एक यानी कि नई फॉर्म जो है न्यूज़ की, अच्छा वो लोगों ने देखी और बड़ी अप्रिशिएट की, बहुत अच्छा रहा। अच्छा बाबू भाई, आपसे भी हम आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खबरदार टीम के साथ? बहुत अच्छा रहा, सभी लोग काफ़ी कोऑपरेटर हैं, काफ़ी प्यार करते हैं सब लोग, और बड़ी टीम है पाकिस्तान की इस वक्त, बड़ा शो है। आफ्ताब इकबाल साहब आपको पता है माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल, तो उनका जवाब ही कोई नहीं है जी, ओवरऑल अच्छा रहा है। अच्छा सर, आपसे भी हमारा यही सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खबरदार टीम के साथ? एक्सपीरियंस तो अभी और आगे मिलेगा, अब तक जितना टाइम गुजर रहा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आफ्ताब साहब ये मेरे सारे सीनियर्स हैं, हनी भाई, बब्बू भाई, रूबी आप भाई, सारे मेरे सीनियर्स हैं, इनसे सीखने का रोज़ रोज़ कोई नई बात सीखने को मिलती है। मैं बेसिकली एज एन एक्टर काम कर रहा था टीवी पे, तो ये मेरी पहली दफ़ा है कि इस तरह का कोई इंफोटेनमेंट जिसको आप कहते हैं, इस तरह कोई शो मिल रहा है, मैं काम करना है। ये इतनी बड़ी कास्ट है, अगर आप इस कास्ट के साथ बैठे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे, जो कि अमूमन मैं नहीं बोलता सर बैठे में, और आप सिर्फ तो आपको मज़ा आता है, आपको सीखने को मिलता है। नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये ऐसी बात, असद की ये क्वालिटी है, ये बैठे हुए भी ऐसे लगता है जैसे खड़े हैं इनका माशाल्लाह वो है ना, हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा भाई है, छोटा बड़ा प्यारा है। और क्योंकि ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन आफ्ताब साहब ने बनाया शुरू से ही, कि टी वी फिल्म थिएटर से आर्टिस्टों को कैप्चर करके जी जी, तो एक नई टीम तैयार की है, एक फौज तैयार की कॉमेडी के हवाले से। तो इस वक्त जितने भी शोज़ चल रहे हैं टीवी पे और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो ये आफ्ताब साहब की ही इख्तरा है। इसका जो यानी कि जो पौधा है इस टाइप के शोज़ का, वो आफ्ताब साहब ने लगाया है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पौधा था वो एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी और जो शाखें हैं वो रामा दमा है, चल रहा है। अच्छा, आप कनाडा में भी आपने शो किए हैं, तो आप कनाडा के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे कनाडा में आप? जी जी, कनाडा मैं नहीं गया था, ये लोग गए थे कनाडा, इन सर इनको कनाडा का एक्सपीरियंस है नहीं आप उनसे पूछ सकते हैं, कनाडा काफ़ी ना इन्जॉय किया। नक्शा नक्शा तो आपने देखा है? नक्शा मैंने देखा है, कनाडा नहीं। मैं कनाडा का थोड़ा सा हमें बताएंगे कैसा रहा? हमारा असल में फर्स्ट टाइम इस तरह, बल्कि हमारा क्या, हम लोग तो आते जाते रहते हैं यूरोप भी, यूके और क्या नाम और बाकी ममालिक में, लेकिन खबरदार टीम के साथ जाने का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, और उसमें ख़ासकर बब्बू और कैफी, क्योंकि हमारे साथ नहीं था लेकिन हमारे साथ था, हमारे साथ मौजूद था, दिलों में था हमारी टीम मेंबर। और वो जितने शोज चले हमारे ऑनर हुए उसमें इनकी शमूलियत थी, उसको ये उसको कंडक्ट कर रहे थे। बड़ा टफ वो था एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको यहाँ तो ये होता ना कि स्टूडियोज़ मौजूद होते हैं, फिर आपकी वार्डरोब मेकअप है, फिर यानी कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सहूलत है यहाँ पर। तो आउट ऑफ कंट्री अगर आप जाते हैं
इनके ड्रामे के लिए या शोज़ के लिए, तो बड़ा टफ सा एक एक्सपीरियंस होता है, फिर टफ भी होता है और इनके एंटरटेनिंग भी होता है कि आप नई जगह को देख रहे हैं कि यार ये क्या है। फिर साथ आता साहब थे जो उसकी यानी कि उस जब से वो जगह बनी उनकी उनके पास उसकी भी डिटेल थी, इतनी डिटेल अच्छा। अब से ये है कि आप पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपके फ़ैन हैं, मैं भी फ़ैन हूँ, पूरा पाकिस्तान देखता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है, अगर आपको शो में देखा जाता है तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही आप हंसी मजाक के साथ रहते हैं या पर्सनल लाइफ आपकी शो के साथ कॉमेडी के साथ अलग होती है? नहीं, वो तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो आपकी असल लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब हर वक्त आप अपने घर में बिला वजह नहीं हंस सकते, जैसे ये लोग हैं प्रॉपर कॉमेडियंस हैं, मतलब वर्ल्ड में नाम है, आप खुद बता रहे जी बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक है, मनवाया अपने आप को मनवाया है जी जी बिल्कुल, अपने घर के अंदर ये नॉर्मल रहते हैं, जैसे हम सब लोग जितने भी एक्टर हैं हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम बाहर भी अब नॉर्मल ही रहते हैं, कोई कैसे टक्कर नहीं हुआ था बस वो एक मिथ बन चुकी है कि जी अब जो इलेक्ट्रिक का काम करता है इलेक्ट्रिशियन है वो ये जरूरी तो नहीं घर जाके जाने अपना बल्ब खोल तो ये जॉब्स हैं, ये एक अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, मगर ये है कि हम आम दूसरे लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा खुश मिजाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है और बड़े हम शुक्रगुजार हैं मालिक के कि अल्लाह पाक ने हमें इस ड्यूटी के लिए चुना कि हम लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट जब वो हमें देखते हैं या हमारा काम जी बिल्कुल, जैसे कि अभी पाकिस्तान में काफ़ी डिप्रेशन वगैरह है, काफ़ी टेंशन होते हैं, तो वो एक पूरा दिन आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको अजीब सी खबर ही मिलती है, तो मेरे हिसाब से तो हमारी जो स्माइल है हमारी ऐसी है उसकी वजह आप बनते हैं, जितनी भी डिप्रेशन हो जितना भी कोई टेंशन हो तो हम आपका प्रोग्राम देख कर हंस के तो एक अच्छा फील होता है, तो अब ये पूरा पाकिस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड में जो है आप एक स्माइल फैला रहे हैं। फैसल भाई हम आपके बड़े मशहूर हैं, थैंक यू सर कि आपने हमारे साथ कुछ टाइम गुजारा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं रिएक्शन टीवी के जो यहाँ पे आए और हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत तरक्की करें और अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत रखे और इसी तरह लोगों तक मोहब्बतें और प्यार और पैगाम पहुँचाते रहें। आपको अगर ये इंटरव्यू पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आया तो खुदा का वास्ता अपना टेस्ट चेंज करें और इस चैनल को फौरन से पहले सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे हैं हम लोग, रिएक्शन चैनल बड़ा अच्छा पेज भाई का है, अरब भाई का, तो सब लोग उसको देखें लाइक करें, वो क्या कहते हैं जो दबाएं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, कहीं पे आ रहा होगा बटन उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और हमें देख के फौरन एक लाउड सा रिएक्शन दे एक इधर बैठे और हम पब्लिक रिएक्शन का हिस्सा है। हाँ जी बिल्कुल, और हम अपनी तमाम उन ऑडियंस का उन पब्लिक का उन बहन भाइयों के बहुत मशहूर हैं जो हमें बड़ी मोहब्बत करते हैं और यकीन करें कि आपकी उन मोहब्बतों का आज ये समर है कि अल्लाह पाक ने हम पे ये रहमत की है कि हम आप तक हर हंसी मजाक को बड़ा साफ़ सुथरा और निट करके आप तक पहुंचाते हैं, तो कोशिश करें कि आप भी इसी तरह मुस्कुराएं और अपने इर्द गिर्द के जितने भी आपके माहौल हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई टेक्नीशियन हैं, आप जिस फील्ड में भी हैं, कोशिश करें कि अपने कोलीग्स के साथ और अपनी फैमिलीज़ के साथ इस तरह का ताल्लुक इस्तवार करें कि आपके वो लव्स और आपकी वो मुस्कुराहट सदियों याद रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।